हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं कमलेश बुट्टू मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फुकरे स्टाइल। आज का ये वीडियो मेरे लिए और मेरे जैसे हज़ारों नए यूट्यूबर्स के लिए है, क्योंकि जब भी हम किसी नए करियर की सिलेक्शन करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि जिस करियर को हमने चुना है उसमें कौन कौन सी आगे परेशानियाँ हैं और उसका समाधान क्या है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और ये सुनकर आपको बड़ा अजीब लगेगा, 3000 सब्सक्राइबर्स, 15 लाख व्यूज और यूट्यूब ने बिना किसी नोटिफिकेशन के मेरे फर्स्ट चैनल को डिसेबल कर दिया। आखिर वो कौन सी गलतियां थी जो मैंने अपने चैनल में की और क्या ऐसा हुआ जो इतने अच्छे व्यूज और इतने अच्छे लाइक्स, शेयर और इतने सारे सब्सक्राइबर के बाद भी यूट्यूब ने हमारे चैनल को बंद कर दिया। हमारे फर्स्ट चैनल का नाम था एक्सेल इन्फोटेनमेंट। तो सवाल बहुत है और जवाब जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अब अगर आप कोई नया चैनल कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। में हमने YouTube में अपना फर्स्ट चैनल क्रिएट किया जिसका नाम था एक्सेल इन्फोटेनमेंट। लेकिन हमारी जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने नवंबर में स्टार्ट की। हमने अपना पहला वीडियो आज़ादी के नाम से 1 नवंबर को हमने अपलोड किया। ठीक अपलोड होने के 5 मिनट के अंदर हमें एक YouTube की तरफ से मेल आता है और उस मेल की कॉपी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस मेल पर लिखा हुआ था कॉपी राइट कंटेंट आईडी क्लेम। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि उस वक्त मैं बिल्कुल नया था और मैंने बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया था, मैंने बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं पढ़े हुए थे, तो मैंने अपने तरीके से वीडियो शूट किया था। और मैंने एक लाए हम तूफान से किस्ती निकाल कर, ये गाना आपने भी सुना होगा, इसके म्यूज़िक को हमने वहाँ पर लगा दिया। ये सारे गामा पा का कॉपीराइटेड म्यूज़िक था जिसने हमें ये कंटेंट आईडी क्लेम किया था। कंटेंट आईडी क्लेम से मैं तो बहुत डर गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये कंटेंट आईडी क्लेम में बहुत साफ लिखा हुआ था कि आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कंटेंट आईडी क्लेम में होता ये है कि अगर आप उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वो आगे जाकर मोनेटाइज होता है, आप उससे पैसे कमाते हैं, तो उसको आपको जिस कंपनी का वो म्यूज़िक है जिसने क्लेम किया हुआ है उसके साथ आपको शेयर करना है। हालांकि मैं डर गया था तो मैंने डिलीट किया, लेकिन आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कंटेंट आईडी क्लेम में होता है अगर आप इस तरह के कोई भी म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं, एक जानकारी तो ये है। लेकिन फिर भी हमारा चैनल टेक डाउन क्यों हो गया, हमारा चैनल डिसेबल क्यों कर दिया गया? तो कंटेंट आईडी क्लेम के बाद हम थोड़े से घबरा गए थे, हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। हमने कुछ अपने फ्रेंड से भी पूछा, हालाँकि मेरी गलती थी कि मैंने यूट्यूब में सर्च नहीं किया और मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। खैर, उसके बाद से हमने फिर काम करना शुरू किया और हम ज़्यादा फोकस किए उस वक्त में रियलिटी शोज। उस वक्त 2 शोज़ बहुत ही फेमस थे और चल रहे थे। आपको भी पता होगा नवंबर में बिग बॉस लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, वो ट्रेंडिंग था। और जितने भी रियलिटीज़ डांस के शोज़ थे जिसमें जी टी वी का DID Season 6, ज़्यादा फोकस हमारा बिग बॉस में था। तो हम डेली के जो एपिसोड्स होते थे उसके आधार पर हम स्क्रीन शॉट्स लेते थे, स्क्रिप्टिंग हमारी होती थी, म्यूज़िक जो कॉपीराइटेड नहीं थे उन म्यूज़िक को हम इस्तेमाल करते थे। ये कंटिन्यू हमारा जा रहा था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था हमारे वीडियो में। लोग हमारे व्यूज़ को पसंद कर रहे थे, हमारे स्क्रिप्टिंग को पसंद कर रहे थे, हमारे वॉइस ओवर्स को पसंद कर रहे थे। ऑफ नवंबर को हमने DID Season 6 का एक न्यूज़ बनाया जिसमें एक लड़की थी प्रिया नाम की, उनका न्यूज़ हमने उसमें डाला। और वो उसके नेक्स्ट डे हमें एक मेल आया कि आपका ये वीडियो कॉपीराइट की वजह से वीडियो यूट्यूब से हटा लिया गया है। अब हमारे दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा आ गया। और साथ ही एक मेल आया, उसी मेल में ये लिखा हुआ था कि आपके चैनल को एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल गया है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हमारे टेंशन था कि ये यार कॉपी स्ट्राइक हो गया, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि अब अगर 3 से ज़्यादा स्ट्राइक्स आपको आ जाते हैं तो आपके चैनल को डिसेबल कर दिया जाएगा। और मेल में कुछ नहीं था, उसमें डिटेल्स थे कि आप अगर जिन्होंने क्लेम किया हुआ है आप उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो रिट्रैक्शन के लिए जा सकते हैं या फिर लीगली आप जा सकते हैं कि नहीं। वो वीडियोज़ अगर आपको लगता है कि हाँ वो वीडियोज़ आपके थे तो आप लीगल प्रोसेस में भी जा सकते हैं अगर आप सही थे।
मैं समझ नहीं पाया कि चीजें क्या हो रही हैं। हालांकि वहां पे लिखा हुआ था कि 90 दिनों तक आपका ये कॉपीराइट स्ट्राइक रहेगा और उसके बाद फिर ये 90 डेज के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं फिर काम लगातार करने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में था कि एक स्ट्राइक मेरा आ चुका है तो अब मुझे और भी स्ट्राइक्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि 3 से ज्यादा स्ट्राइक्स होंगे तो आपके चैनल को डिसेबल कर दिया जाएगा। व्यूज को लोग पसंद कर रहे थे, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे थे। मैं आपको एक मंथ रिव्यू दिखा रहा हूं जिसमें हमारे 1400 समथिंग सब्सक्राइबर आपको दिखेंगे एंड शेयर्स लाइक्स काफी दिखेंगे, हालांकि आगे के मैंने नहीं रखे जिसमें सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो गए थे एंड वॉच टाइम भी हमारा बहुत अच्छा था, तो वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो ये हमारे दिमाग में था, एक स्ट्राइक हमारे चैनल में आ चुका है तो हम कुछ वैसी गलती ना करें। लगातार हम बिग बॉस के न्यूज़ बना रहे थे, स्क्रिप्टिंग अपनी होती थी, म्यूज़िक जो कॉपीराइटेड नहीं थे वो हम यूज़ करते थे और जो इमेजेज होते थे वो हमारा स्क्रीनशॉट होता था। काम का सिलसिला हमारा बिल्कुल भी नहीं रुका और हम और भी अच्छे स्क्रिप्ट करने लगे, अच्छे काम करने लगे जब हमें लगा कि लोगों का वो एक रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। लेकिन अचानक 12 दिसंबर की सुबह जब मैं उठा और बस मैं यही चेक कर रहा था कि अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, चलो फिर एक बार मेल चेक कर लेता हूँ, मैं मेल चेक करने गया, सेम वही कुछ भी नहीं था। फिर मैं सोचा कि चलो एक बार चैनल में जाके देखता हूँ कि आज कल के रात का व्यूज़ कितना है। मैं चैनल में एंटर ही नहीं कर पाया, चैनल साइन इन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है। मैं कोशिश करता रहा, साइन आउट किया यूट्यूब से, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं चैनल में साइन इन नहीं कर पाया। फिर जाकर एक दिन के बाद यूट्यूब ने मुझे एक मेल किया कि आपके चैनल को डिसेबल कर दिया गया है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ड्यू टू मल्टीपल स्ट्राइक्स की वजह से। और मैंने YouTube के नियम को तोड़ा है, वॉलेंस किया है, तो इसलिए मेरे चैनल को डिसेबल कर दिया गया। और अब आप बस ये समझ लें कि 3000 सब्सक्राइबर, 15 लाख व्यूज और मुझे लगता है कि 10,000 से अधिक वॉच टाइम, हालांकि उस वक्त सिर्फ 10,000 व्यूज में ही मोनेटाइजेशन था, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद मेरे चैनल को डिसेबल कर दिया गया। गलती मेरी ये थी कि मैंने विदाउट परमिशन, विदाउट लाइसेंस रियलिटी शोज के इमेजेस का इस्तेमाल किया। ये मुझे तब जाकर पता चला जब मैंने सर्च किया, मैंने यूट्यूब फॉरम में जो एक फॉर्म है जहाँ पे लोग बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे मैंने चीज़ों को रखा कि ये क्या वजह है, तो मुझे पता चला कि इसके लिए आपको पहले लाइसेंस लेने होते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती थी और अगर वो गलती मैं नहीं करता तो आज मेरा चैनल डिसेबल नहीं होता। हाँ, यहाँ पे YouTube की एक पॉलिसी मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आई कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन हमें दिया, फर्स्ट जो स्ट्राइक हमारे DID के न्यूज़ पे आया हुआ था, उसके बाद एक भी स्ट्राइक का एक भी मेल नहीं आया। अगर एक मेल आता कि आपको 2 स्ट्राइक्स मिल गए हैं तो मैं समझ पाता, या मैं जो काम मैंने बाद में सर्च आउट किया शायद उस वक्त करता, लेकिन वो अचानक से पूरे डिसेबल करने के बाद में आ रहा है कि 15 से 20 वीडियोस में आपके स्ट्राइक्स पड़े हुए हैं। तो ये यूट्यूब ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि दूसरा आपका ये, तीसरा ये, अब आप डिसेबल हो रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि एक स्ट्राइक आ गया। गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और ये सारे नए यूट्यूबर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सर्च नहीं करते हैं चीज़ों को, हम नहीं समझते हैं और जिस दिशा में हमें जाना है बस हम निकल जाते हैं, गलतियां हमसे हो जाती हैं, बाद में हम अफसोस करते हैं। और मेरी जो दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस वक्त में अपना अल्टरनेटिव कोई भी ऑप्शन नहीं रखा था, अपने सब्सक्राइबर के लिए मैंने अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं रखा था कि अगर मेरा चैनल डिसेबल भी हो गया तो वो मुझे फिर से डिस्कवर कर पाए, वो मेरे साथ जुड़ सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना मैंने गूगल प्लस में कुछ किया था, ना मैंने फेसबुक में कुछ उसे लिंकअप किया हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ मुझसे हुई थी एक नए यूट्यूबर के रूप में, और अब उसको मुझे समझ में आ रहा है कि काश अगर वो जो 3000 सब्सक्राइबर थे, जो मेरे व्यूवर्स थे, आज मेरे साथ होते तो ये जो नए चैनल फुकरे स्टाइल को आप देख रहे हैं ये अभी सिर्फ 400 या 350 सब्सक्राइबर में नहीं होते। लेकिन चलिए, जब आप मेहनत करते हैं, आप मंजिल पाने के लिए निकलते हैं, मुश्किलें बहुत आती हैं, घबराना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है, आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस को शुरुआत से ही रखें अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में, अपने व्यूअर्स के साथ में। आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, ओरिजिनल वीडियोस आप डालें, म्यूजिक वही इस्तेमाल करें जो कॉपीराइटेड फ्री है,
और साथ ही जितने भी रूल्स हैं, अब तो बहुत सारे नए रूल्स आए हैं, आप ज़रूर चेकआउट करें सारे रूल्स, यूट्यूब ने अपने फॉरम में रखे हुए हैं। तो जब सब कुछ है और जिस मंच पे आप कर रहे हैं उस मंच में अवेलेबल है, तो फिर गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए जो मुझसे हुई हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो नए यूट्यूबर्स हैं और अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है, तो निश्चित तौर पे आप ये समझ रहे हो कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस शुरुआत से बना के रखें, आप ओरिजिनल कंटेंट का इस्तेमाल करें, म्यूज़िक वही इस्तेमाल करें जो कॉपीराइटेड फ्री है, और आप अगर इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे सब्सक्राइबर भी आएंगे, व्यूज़ भी आएंगे, लाइक्स भी आएंगे, वॉच टाइम भी आएगा और आप भी जल्दी मोनेटाइज होंगे। अब इतने सारे सब्सक्राइबर मेरे थे, अब नहीं है, मैं भी फाइट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेहनत करूँगा, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगता है कि इस वीडियो से नए यूट्यूबर को फ़ायदा होना है, तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।